नाज़रीन ख़वातीन, मैं हूँ आपका दोस्त आपको डॉक्टर ज़िया फारूकी और आप देख रहे हैं हेल्दी पाकिस्तान वेब स्ट्रीमिंग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्लेफ्टन डॉलमेन मॉल में, जहाँ कोरियन फीस्टा कराची 2022 मुनक्किद किया गया है, जहाँ बहुत सारी कोरियन प्रोडक्ट मौजूद हैं। इस फीस्टा को मुनक्किद करने का मकसद बेसिकली कोरिया और पाकिस्तान में बाहमी मामलात को असवार करना और इसके जो ताल्लुकात हैं उसको और बेहतर बनाना। इसी हवाले से मेरे साथ बहुत सारी प्रोडक्ट और बहुत सारे स्टॉल्स मौजूद हैं और इस वक्त हमारे कोटरा के एक मेंबर भी मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, आइकॉनिक लीडर हैं कराची के और हवाले से कोरियन एम्बेसी के हवाले से आप एडवाइज़र भी रहे हैं और इस वक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं रियान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रियान भाई, बेसिकली आपको सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, इतना अच्छा ज़बरदस्त फीसा अरेंज करवाने में आप मावन साबित हुए और बेसिकली इस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा। देखिए, कोरियन एम्बेसी और कोटरा जो कि कमर्शियल सेक्शन है, ट्रेड मिशन है कोरियन गवर्नमेंट का, उसके मुशावरत से, उसके तआवुन से डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन के अंदर ये तकरीब का इनेकाद किया गया। इसके बुनियादी मकसद ये है कि जो कोरिया से प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड्स आ रही हैं उनको फ़रोग दिया जाए। सकाफती शो, ताइक्वांडो, खेल और खाना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका डिस्प्ले भी हो रहा है और बाहम तजारती ताल्लुकात को असवार करने, ट्रेडिशन और कल्चर से आशना करने के हवाले से प्रोग्राम है। और आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। कोरिया से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, ना सिर्फ मसनूआत के फ़रोग देने के हवाले से बल्कि कोरिया की नेशनलिज़म, कोरिया की तरक्की का राज, कोरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को फ़रोग देना, सूबों की तादाद को बढ़ाना, 5 ईयर्स 10 ईयर्स प्लान की इम्प्लीमेंटेशन करना, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को वाज़े करना, लोकल बॉडीज़ को मजबूत करना, फ्यूडलिज्म को ख़त्म करना और एंड सो ऑन। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कोरिया से पाकिस्तान को सीखनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब की दी हुई पॉलिसी से कोरिया आज का कोरिया बना हुआ जो कि एशियन टाइगर है। और अभी मुझे ये बताइएगा रियान भाई, यहाँ किस किस्म की ज़्यादातर प्रोडक्ट मौजूद हैं और आइए मैं आपको दिखा भी दूँ। ये कोटरा के ऑफिशल्स भी हैं, सीनियर मैनेजर भी हैं ये, और ये सीनियर खातून है, ये आपको बाकी एक्सप्लेन भी करेंगे। बहुत पुराने काम कर रहे हैं पाकिस्तान में कोरियन मसनूआत को, तजारत को, इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देने के लिए। जो आप देखते हैं ना, जो चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे इन्हीं साहिबान और इन्हीं साहिबा का और इनके जो जूनियर्स हैं उनका हाथ है। मैं चाहूँगा कि बतूल साहिबा और तजम्मुल आलम साहब से आप गुफ्तगू करें। बहुत ही ज़्यादा अभी ये स्किन केयर की प्रोडक्ट के ऊपर खड़े हुए हैं जो कि मुख्तलिफ स्किन केयर के हवाले से, के ब्यूटी दुनिया भर में नामवर चीज़ है और के ब्यूटी के फ़रोग के लिए आप देखें, अगर आप तजम्मुल साहब को ही देखें तो ये तौर पर और कोरियन गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करने के साथ साथ इसी तरह बतूल साहिबा इनके हेयर स्टाइल के हवाले से हो या स्किन केयर के हवाले से हो, तो ये जीती जागती मिसाल हैं आपके सामने। आप प्लीज़ अभी हमारे साथ मौजूद हैं बेसिकली कोटरा के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, आपके पास मैं भी देख रहा था, मेरा ताल्लुक ख़ुद भी जो है वो स्किन के शोबे से है और काफ़ी प्रोडक्ट ऐसी मुझे नज़र आ रही हैं जानी पहचानी है। यहाँ मैं एक प्रोडक्ट देख रहा था जो बेसिकली फेशियल टोनर था और मैं देख रहा हूँ काफ़ी वाइटनिंग के हवाले से भी काफ़ी क्रीम्स हैं। और वैसे आप हेल्दी पाकिस्तान और हसीना मेडिकल सेंटर में एस्थेटिक क्लिनिक आते रहते हैं और उसमें काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन है और बहुत सारी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से एक प्रोडक्ट मुझे अपनी यूज़ की हुई नज़र आई, इसके हवाले से तजम्मुल साहब से जानते हैं। लेकिन इस हवाले से ये प्रोडक्ट एक्चुअली मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा और इसकी जो खसूसियात हैं वो मिस बतूल आपको एक्सप्लेन करेंगी इसके बारे में। पहले हम सुना करते थे क्लिनजिंग मिल्क आता था जिससे क्लिनजिंग होती थी, लेकिन अब जो है ये क्लिनजिंग फॉर्म इंट्रोड्यूस जो है वो कोरिया ने करवाए हैं, इससे आप क्या क्लिनजिंग भी कर सकते हैं और फेस वॉश भी है। तो हमें क्लिनजिंग मिल्क क्लिनजिंग करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता था, पहले क्लिनजिंग करो, स्क्रब करो, फेशियल करो, लेकिन आप जैसे क्लिनजिंग फॉर्म्स के ज़रिए आप क्लिनजिंग भी कर सकते हैं प्लस फेस वॉश भी कर सकते हैं। बेसिकली ये जो हमने यहाँ पे चीज़ें रखी हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कोरियन कॉस्मेटिक की और स्किन केयर की, बिकॉज ये जो हैं यूरोपियन के हवाले से बहुत कम्पिटिटिव, उनसे भी अच्छी क्वालिटी है इनकी और प्राइस वाइज भी ये उनसे बहुत अच्छी इनकी लो प्राइस है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर देखें ये है बेसिकली, ये देखें एक ये प्रोडक्ट है जो लिफ्ट एक्शन आई क्रीम के लिए है बेसिकली, ये आप इसकी देखें, ये आप इसकी जो है बेसिकली देखें, इसकी क्वालिटी देखें, इसके अंदर इसकी आप पैकिंग देखें, इसकी पैकिंग और क्वालिटी देखें,
और प्राइस वाइज भी ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। यूरोपियन में आपको यही प्राइस बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी, लेकिन कोरियन में आपको ये बहुत अच्छी कॉम्पिटेटिव प्राइस मिलेगी। बेसिकली मुख्तलिफ इस पर डिस्काउंटेड प्राइस है बेसिकली। इस वजह से ये जो आज फीसटा लगा हुआ है कितने दिन तक मजीद ये बेसिकली 17 तक है, बेसिकली नवंबर 17 तक आपकी बहुत सारी डिस्काउंटेड जी ऑल प्रोडक्ट जो यहाँ पर मुख्तलिफ हैं, जिस तरह वहाँ पर कलर कॉस्मेटिक है और नूडल्स हैं और वाटर बॉटल्स हैं और ऑटोमोटिव कार एक्सेसरीज की प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, वो भी हमने रखी हैं ताकि अवेयरनेस हो कोरियन कंपनीज को। और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बल्कि हमारे ओपनिंग सेरेमनी से पहले कितनी सेल हो चुकी हैं चीज़ें बेसिकली। अच्छा मुझे बताइएगा बेसिकली यहाँ जो आपके पास प्रोडक्ट है, मैं ख़ुद भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे यहाँ बताइए किस तरह की ज़्यादा प्रोडक्ट है, मतलब ये स्किन केयर के हवाले से आपके पास जो है वो स्किन केयर के हवाले से जस्ट है या फिर वाइटनिंग इंजेक्शन? और इंजेक्शन नहीं है, जस्ट क्रीम्स और सीरम्स और लोशन्स। टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा आपके पास है। डिफरेंट हमारे पास कोरियन प्रोडक्ट मौजूद हैं और मिस बतूल भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। जी मैम जी, ये हाइलोनिक एसिड है जो से पीलिंग जेल है। आजकल आप सोच रहे होंगे हर किसी को बोरा होना है, तो उसके लिए ये हाइलोनिक जो है बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जिससे बहुत अच्छे से आप अपनी स्किन को साफ़ कर सकते हैं। प्लस ये चारकोल क्लिनजिंग मास्क है और ब्लैक हेड्स के लिए बहुत, हमारे कराची में स्पेशली बहुत ट्रैफिक का इशू है ब्लैक हेड्स कोर का, ओपन पोर्स का, तो उसके लिए है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ एक प्रोडक्ट है रिंकल्स के हवाले से, इसके हवाले से मुझे बताइएगा। ये एंटी रिंकल कोलेजन क्रीम है, हमारी स्किन में कोलेजन जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो ये उसके मददगार होती है ये क्रीम कोलेजन को रिक्रिएट करने के लिए, तो जो एंटी रिंकल में मददगार होता है हमारी स्किन को। और मैं स्पेशली इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी ये वाइटनिंग क्रीम है, ये प्रीमियम वाइटनिंग क्रीम है और इसे आप डे या नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं, और ये इसे इवन टोन वाइटनिंग क्रीम है। इसके अलावा ये सबसे पहले जो है वो कोरिया ने इंट्रोड्यूस कराया था गोल्ड मास्क, 24 कैरेट गोल्ड मास्क, इसका सर्टिफिकेशन भी मौजूद है इस कोरियन कंपनी की, तो ये 100% स्नेल एक्सट्रैक्ट के लिए, इलास्टिसिटी के लिए है, वाइटनिंग के लिए है और हाइड्रेशन के लिए है, और ये 100% गोल्ड 24 कैरेट मास्क है। और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं बेसिकली बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट मौजूद हैं जो बहुत रिलायबल हैं और कोरिया के हवाले से, और कोरिया एक ब्रांड रखता है वाइटनिंग में और उसके अलावा स्किन केयर में, तो मैं यहाँ देख रहा था कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो हम लोगों की यूज़ में रहती हुई हैं। और मैम कौन सी, अब जैसे ये आपने देखा पॉमग्रेनेट के हवाले से ना, पॉमग्रेनेट पीलिंग जेल है जो हमारी स्किन पर डेड स्किन आ जाती है, उसके बाद जो हम कुछ भी लगा लें हमारे कोई फर्क नहीं महसूस होता, तो जब तक आप स्किन डेड स्किन को पील नहीं करेंगे आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फैसिलिटेट नहीं कर सकती, तो ये पीलिंग जेल है पॉमग्रेनेट और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। अच्छा आप लोग यूजुअली आजकल जो एक ट्रेंड चला है ना वाइटनिंग इंजेक्शंस का, और हमारी क्लिनिक्स पर भी आप देख रहे हैं जैसे वाइटनिंग इंजेक्शंस वगैरह भी लगते हैं, तो वाइटनिंग इंजेक्शंस वगैरह के साथ साथ आपको जो है ना पोस्ट केयर भी करनी होती है, तो ये प्रोडक्ट कोरिया की ब्रांडेड प्रोडक्ट और जो अथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं इसको आप बाय कर सकते हैं, और ये यहाँ पर बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में अवेलेबल है और इंशाल्लाह ताला आपको मेरे सेटअप पर भी मिल जाएंगी असीना मेडिकल सेंटर ब्लॉक 4 गुलशन इकबाल में, ये सारी प्रोडक्ट अवेलेबल है और डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। इस हवाले से मैम मुझे बताइएगा कि इसकी जो कॉस्टिंग या इसकी जो प्राइस है वो बेसिकली यहाँ तो डिस्काउंटेड है, उसके अलावा आपकी कहाँ कहाँ ये चीज़ें अवेलेबल होती है? हर जगह ही अवेलेबल हैं क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, ना कि सिर्फ कराची में, लाहौर इस्लामाबाद में भी इनका इन प्रोडक्ट का एक्सेस है, और कारफोर में एप्को स्प्रिंग आप अवेलेबल हैं ये प्रोडक्ट्स। अच्छा और भी जैसे ये दराज हो गया या इस तरह की जो भी अवेलेबल है। अच्छा डिफरेंट जो जी डिफरेंट ब्रांड्स दराज में भी अवेलेबल हैं। ओके, और अगर हमारे व्यूवर्स को ये प्रोडक्ट्स चाहिए हो तो किस तरह अवेलेबिलिटी हो सकती है इनकी आपके थ्रू? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी इन प्रोडक्ट्स का पेज है, जिससे आप इनकी इंग्रेडिएंट्स भी चेक कर सकते हैं, इनकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं और उनसे COD भी अवेल कर सकते हैं। और दूसरी बात, अब से ये सारी प्रोडक्ट आपको हमारी क्लिनिक्स पे भी अवेलेबल मिलेंगी और आप हमारी क्लिनिक हसीना मेडिकल सेंटर से भी ये अवेलेबल कर सकते हैं, और भी डिफरेंट स्किन के हवाले से तमाम प्रोसीजर्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको हसीना मेडिकल सेंटर पे इजीली अवेलेबल होंगी। तो कोरियन फीसटा कराची के हवाले से हमारे पास कोटरा के डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर तनीम भी मौजूद हैं, उनसे भी उनके व्यूज़ लेते हैं हम और इस प्रोग्राम के बारे में हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर। I'm Dr. Zia Farooqi from Healthy Pakistan Diabetic Streaming. I want to know about the event. Okay, this is the first ever held in Pakistan as far as I know for the Korean companies, small medium companies to enter the Pakistani market. But we are trying to, you know, introduce Korean culture as well, not just only for Korean products, but also for Korean products, Korean culture and Korean, you know, martial art, Korean food, whatever. So we need to increase the awareness about Korean and Korean, you know, favorable feelings. Okay, that is our goal, so that Pakistani and the Korean people can become friends and get along with them quite well, and our, you know, friendly relationship could be better than before. Mr. Nim, I want to know about the famous food of Korea. Korean most famous food, as you know, is Korean kimchi. And also quite popular is Korean bulgogi, which is, you know, ready for, you know,
the meat, spicy? Okay? Spicy, it could be spicy, and it could be quite, you know, salty, it could be quite, you know, sweet. Everything could be possible, but as far as the kimchi is quite, you know, not quite spicy, but at first, foreigners, especially Pakistani people, cannot get easily, but they can get accustomed to Korean kimchi. It's most, you know, favorable food in the world. Okay. Is it halal? It should get a halal certification. So now, it is not so easy to introduce Korean kimchi, especially kimchi to Pakistan, but I hope someday Korean kimchi products could get a halal, and then it could be, you know, introduced and become popular and widespread in Pakistan market and culture. What is popular drink in Pakistan, Korean drink? Korean drink, as far as I know, there is no Korean famous drink, but we are now trying to introduce Korean ginseng drink. Okay, and please deliver a message from your side to our viewers. Okay, thank you for your, you know, attention and interest in Korean culture and Korean products. Okay, I hope you will get more immersed in Korean product and Korean culture and Korean people, okay? Let's get together and we become friends, okay? Let's go for peace. Thank you, Mr. Rim. And please request our viewers to subscribe and like our channel. If you like, please just subscribe and subscribe and what? Subscribe and like it, okay? Like it, okay? Healthy Pakistan, okay? Like that. Thank you very much. You're welcome, my pleasure.